आ रहा वॉइस आ रहा है? नहीं बेटा नहीं पहुंच पाए, वो पकड़ लिया हमें, पूछे कहाँ से आ रहे हो, हमने कहा दवाई लेकर, बोला अपने घर के पास से लो, इतना दूर से मत लिया करो, वो दिक्कत आई थी, क्या बताया तुमने, बोला कल मत आना। यू कह रहे कल मत आना, ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है। समझ नहीं आता है क्या करें, जल्दी से खत्म हो इरिगेशन, हम यही चाह रहे हैं, वही आज यही ट्राई करना है, दूसरे से जाके देखना है क्या होता है। व्हाट्सएप पे भेजे हैं, चलिए पहले स्टार्ट करें। बेटा ओवरलैप अलाउवेंस हो तो गया, देखो आयुष बेटा ओवरलैप अलाउवेंस हो गया ना, है ना, हो गया, वो मैंने करवाया था शैलो एंड डीप वेल, ये नहीं होगा, ये आपके पास दो जगह पे आएंगे, एनवायरमेंट एंड सोल के अंदर, यील्ड फ्रॉम ए वेल, अगेन बात एनवायरमेंट के अंदर आएगा ये, ठीक है, फेलियर ऑफ वियर एंड परमेबल फाउंडेशन, ये मैं आप अभी करवाऊंगा, इसी पेज में आएगा परमेबल फाउंडेशन का, फेलियर ऑफ वियर मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, फ्लड कोर्स इफेक्ट मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल, हाइड्रोलॉजी चैप्टर नंबर 5, लैड रिकमेंडेशन कराऊंगा इसके बाद, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक ही आएगा ये, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिंग फर्टिलिटी ऑफ सोइल ये भी कराऊंगा, मेथड डिस्क्रिप्शन लैंड रिकमेंडेशन सारा करवाऊंगा, ये वाला मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के कराऊंगा, इसमें तीसरा चौथा दूसरा और चौथा ये मेरा नहीं है, दूसरा और चौथा मेरा नहीं है, हाँ रिकमेंडेशन में कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए चलिए इरिगेशन के बाद देखेंगे हम, बता देंगे आपको क्या होगा, ठीक है। कल हमने कंपोनेंट लिखवाए थे आप सभी को, शिवराज बेटा जिस दिन खत्म होगा उससे एक दिन पहले बता देंगे आपको क्या होगा, ठीक है, लास्ट में ओवरलैप अलाउवेंस एक बार मैं बता दूंगा आपको, सारी कॉपी कर दो, ठीक है कॉपी कर दो सर,
करो बैक ऑन। कहीं कहीं पे गए? ठीक है, धन्यवाद। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे आपके पास क्या, कंपोनेंट ऑफ हेडवर्क। कंपोनेंट ऑफ हेडवर्क मैंने आपको कल बता दिए थे कौन कौन से होते हैं, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो बताया था आपके पास वियर, और आपके पास क्या बताया था, बैलेंस। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर? कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? बहुत हुई थी, आज फिर बताऊंगा तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, मैं हम बता रहे थे कि आपके पास दो चीजें होती हैं स्ट्रक्चर क्रॉस ड्रेनेज के अंदर या हेडवर्क के अंदर, एक वियर होता है, एक बराज होता है। अब सबसे मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, आपके पास इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है, डायग्राम में आपको दिखाऊंगा जब आप समझ जाओगे वैसे भी। ठीक है, चलो देखो बेटा होता क्या है इन दोनों के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास होती है क्रेस्ट वॉल, क्या इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है क्रेस्ट वॉल। ठीक है, चलिए, अब आपके पास इस क्रेस्ट वॉल के ऊपर आप जो बनाते हैं शटर पानी को जाने के लिए, ये क्या है, शटर है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, शटर कहते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है यहाँ पर, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है यहाँ पर ब्रेज के अंदर क्रेस्ट वॉल, और यहाँ पर जो आपके पास शटर है वो बनाया जाता है कुछ ऐसे, शटर बनाया जाता है कुछ आपके पास ऐसे। मतलब ये तो आपके पास क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर का, ये ठीक है, इस स्ट्रक्चर, ये फिगर किसका है, ये वियर का है, और ये आपके पास किसका है, ये आपके पास ब्रेज का है। अगर आपके पास याद रखना ये शटर है, इसे क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ शटर। ये क्रेस्ट वॉल है, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल। ठीक है, ऐसे ही ये हाइट ऑफ शटर हो गया और ये हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल हो गया। अगर बेटा आपके पास वियर के केस में, वियर के केस में इन, ठीक है, इन केस ऑफ वियर, अगर हम वियर की बात करें तो इन केस ऑफ वियर आपके पास क्या होता है, आपके पास हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल, हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल बहुत ही ज्यादा 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 बड़ा होता है किससे, हाइट ऑफ शटर से, हाइट ऑफ शटर से। मतलब गेट तो बनेंगे कम हाइट के और वॉल बनेगी पानी को इकट्ठा करने के लिए ज्यादा, जबकि बैराज के केस में, जबकि बैराज के केस में इन केस ऑफ बैराज, इन केस ऑफ बैराज या बैराज जो भी आप कहना चाहें, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो हाइट ऑफ शटर होगा, हाइट ऑफ शटर होगा मतलब एस, वो बहुत ही ज़्यादा 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 बड़ा होगा किससे, हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल से, हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल से, ये आपके पास रहता है। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होना पाएगा कि यहाँ पे पानी तो इकट्ठा होगा इस जगह पर, जैसे ही पानी यहाँ तक पहुँचने लगेगा ये ओपन कर दिया जाता है और पानी को आगे घेर दिया जाता है, जबकि यहाँ पे पानी यहाँ तक तो स्टोरेज के अंदर रहेगा और यहाँ पे जितना भी पानी इसके ऊपर आएगा वो सारा कहाँ चल जाएगा, शटर में। एक बात समझ में आ रहा है, पानी का फ्लो ज़्यादा कहाँ से होने वाला है, बैराज से या वियर से, बताओ बेटा पानी का फ्लो ज्यादा कहाँ से होने वाला है, बैराज से या शटर से, बताओ। नॉर्मली बात है बैराज से होगा, तो मतलब आपके पास जो बैराज है वो स्ट्रक्चर वियर से ज्यादा बड़ा होता है, ये बात याद रखना। पर ये दोनों ही माइनर स्ट्रक्चर में आते हैं एज कंपेयर टू डैम के, क्योंकि डैम एक मेजर प्रोजेक्ट में आता है जो कि बहुत ही वास्ट है, ये दोनों ही माइनर प्रोजेक्ट में आते हैं। और माइनर में भी कहा जाए कि ज्यादा फ्लो किससे होता है तो बैराज से होता है, और दोनों की डेफिनेशन में क्या कहा जाता है कि जब आपके पास हाइट ऑफ शटर ज्यादा हो एज कंपेयर टू हाइट ऑफ वॉल से तो वह बैराज कहा जाता है, और जब आपके पास हाइट ऑफ शटर
कम आपके पास बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू क्रेस्ट वॉल तो वो वियर कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? दोनों में डिफरेंस क्या है मेन? शटर के हाइट को लेके मेनली क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है? ओके चलो, अगर मैं इन दोनों में से पूछूं आपका इकोनॉमिकल मतलब कि सस्ता कौन सा पड़ेगा और महंगा कौन सा पड़ेगा, सस्ता कौन सा पड़ेगा, तो आप यही बोलोगे कि जो वियर है वो कैसा है, वो तो हो जाएगा माइनर स्ट्रक्चर, ओके। और अगर इन दोनों में बात करें तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मेजर स्ट्रक्चर, ये दोनों, ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मेजर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बना लो, ये बना लो पहले, सिंपल सी डेफिनेशन है ये वाली, तो ये वाली सिंपल सी डेफिनेशन है, आपसे एग्जाम में बार बार आता है, जब भी हाइट ऑफ शटर वॉल ज्यादा होगा क्रेस्ट वॉल से तो वो वियर होगा, बैराज होगा या डैम होगा, तो आप आंसर बता दोगे। क्लियर है क्या आपको अभी ये बातें? हाँ तो बोल दो बेटा। एच जी क्यों लिखा है? हाइट है लोकेश बेटा, वो हाइट है, हाइट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। जब तक है जा वही 11 बजे तक, कल से 9:30, कल से टाइमिंग 9:30, ठीक है, 9:30 से 11 इतना कर देंगे, कल ज्यादा तो नहीं जा पाएंगे, चाह के भी ज्यादा तो मैं नहीं जा पाऊंगा, 9:30 से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अरे खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये संडे से पहले खत्म कर देंगे, टेंथ मतलब अगर नहीं होगा तो मैं आगे चलूंगा, पर ट्राई करेंगे संडे तक हो सके, ठीक है। 6 बजे तुम्हारा दिक्कत फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का दिक्कत है, नहीं तो मैं तो 6-7 पढ़ाता तुम्हें। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? चलिए ठीक है, कॉमन डेफिनेशन लिख रहा हूं दोनों की, इन दोनों की कॉमन डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज द obstruction across the river, across मतलब समझते हो ना, perpendicular to the river। अरे भाई लिखने तो दिया इतनी देर से, मैं क्या कर रहा था यार, कुलदीप बेटा लिखने तो दिया इतनी देर से, मैं कर क्या रहा था, across the river which is used to increase the water level on upstream side, water level on upstream side and divert to off taking canal, okay। ये क्या किए जाते हैं, ये river जो flow कर रही है okay, उसके 90 degree पर बनाए जाते हैं, उसके 90 डिग्री पर बनाए जाते हैं, ये फ्लो हो गया और ये फ्लो के 90 डिग्री पर बनाए जाते हैं, और ये पानी को क्या करते हैं,
आपके पास यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं किसमें, ऑफ टेकिंग कैनाल के अंदर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यही लिखा है मैंने कि ये रिवर के एक्रॉस बनाए जाते हैं और पानी को कहाँ डाइवर्ट करते हैं, ऑफ टेकिंग कैनाल के अंदर। ठीक है, ठीक है क्या बेटा, और मेनली इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, अभी अभी मैंने आपको दिखाया ना इस स्ट्रक्चर में मेनली कौन कौन सी चीजें आती है, मेन दो, एक आती है क्रिस्ट वॉल एंड दूसरा आता है शटर। ओके, पहली आती है क्रिस्ट वॉल और दूसरा क्या आता है, शटर। तो क्या बोलेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ शटर एंड क्रिस्ट वो। ओके, हाँ, और अगर शटर ज्यादा बड़ा होगा क्रिस्ट वॉल से तो आप क्या कहोगे, अगर शटर ज्यादा होगा क्रिस्ट वॉल से तो क्या बोलोगे कि ये बैराज है, और जब शटर कम होगा क्रिस्ट वॉल से तो क्या होगा आपके पास, वियर हो जाएगा, वियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इनके टाइप बताते हैं, अब इनके टाइप बताते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वियर। ठीक है, चलो पहला नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ वियर का हेडिंग डालना, और ये पहला टाइप है इसका। पहला टाइप क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है ये, नेचर ऑफ फोर्स पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये दो टाइप के होते हैं नेचर ऑफ वियर के अकॉर्डिंग, एक होता है ग्रेविटी टाइप वियर और एक आपके पास होता है नॉन ग्रेविटी टाइप वियर। याद रखना बैराज और वियर दोनों सेम टाइप के होते, तो मैं वियर टाइप के पास बता रहा हूँ क्योंकि वियर के ज्यादा पूछता है, बैराज के टाइप नहीं पूछता। बैराज भी ऐसे ही कुछ होते हैं, मतलब इसी के जैसे होते हैं, वो भी ग्रेविटी और नॉन ग्रेविटी दोनों होते हैं। ठीक है, पर जनरली एग्जाम में क्या आता है, टाइप ऑफ वियर पूछता है, टाइप ऑफ बैराज नहीं पूछता। पर टाइप ऑफ बैराज पूछेगा तो भी उसके नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग वो कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, एक ग्रेविटी और एक नॉन ग्रेविटी। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, बना लिया। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आज और स्क्रीनशॉट ले लो, कल से काम चल जाएगा फिर। ठीक है, चलो पहला आपके पास क्या है, ग्रेविटी टाइप वियर, और दूसरा आपके पास क्या होता है, नॉन ग्रेविटी टाइप वियर। अब आपको पता चलना होगा कि ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब जो भी आपके पास वेट होगा वियर प्लस वाटर, वो कौन रजिस्ट करेगा, ग्रेविटी के कारण, मतलब इसका जो खुद का वेट होगा वही आने वाले पानी को क्या कर लेगा, रजिस्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पे जो सेल्फ वेट होगा वियर का वो इतना बनाया जाएगा कि आने वाले वाटर प्रेशर को वो क्या कर सके, रोक सके। ओके, क्या कर सके, रोक सके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, When self weight of wear, अच्छा एक डैम भी होता है नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी और नॉन ग्रेविटी, वहां पर मैं टाइप ऑफ डैम भी बताऊंगा, तो उसका ये टाइप भी होगा। सेम चीज लिखेंगे, वियर की जगह चेंज कर दोगे किसको, आप किसको चेंज कर दोगे, डैम को। ठीक है, When self weight of wear is able to resist all external force
ऑल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इस बार के 2021 वाले पेपर में यही डेफिनेशन आई थी एग्जैक्ट, बोला जब कोई स्ट्रक्चर है जब अपने सेल्फ वेट के कारण से आने वाले लोड को रोकेगा तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ग्रेविटी टाइप डैम कहेंगे। समझ गए क्या, समझ गए क्या? ठीक है, अब दूसरा आपके पास क्या होगा कि सर ग्रेविटी में तो हमें समझ में आ गया कि यहां पे इसका सेल्फ वेट रोक लेगा, कि यहां तो इसका सेल्फ वेट रोक लेगा। सर नॉन ग्रेविटी में कौन रोकता है, किसी को नहीं पता होता। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या आएगा, रजिस्ट ऑल एक्सटर्नल फोर्स, रजिस्ट ऑल एक्सटर्नल फोर्स बाय बेंडिंग एक्शन, बाय बेंडिंग एक्शन, बाय बेंडिंग एक्शन। ठीक है, यहां पे फोर्स कैसे होगा, सपोर्ट से नहीं होता, सपोर्ट से नहीं होता, ये सही बताया है, आर्च टाइप, आर्च टाइप होता है। मतलब अगर मैं यहां पे बताऊं आपको तो यहां पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसके नीचे, इसके नीचे आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर बना दी जाती है शीट पाइल। क्या बना दी जाती है, शीट पाइल। और ये इतना रखा जाता है कि अगर आपके पास यहाँ से जो पानी है, यहाँ से जो पानी है वो यहाँ से सीपेज करता हुआ जाता है तो वो यहाँ से होता हुआ निकल जाता है और इस टाइम पर नीचे से फोर्स लगाता है। और जो नीचे से फोर्स लगाता है इसे क्या बोलते हैं, इसे अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। क्या कह रहा हूँ, जब यहाँ पे जो आपके पास पानी होगा, जब पानी फाउंडेशन के नीचे से सीप करता हुआ जाता है तो वो नीचे से प्रेशर लगाता है जिसे क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर। ये अपलिफ्ट प्रेशर के कारण से ये जो आपके पास फाउंडेशन है ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी। बट ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना वो अभी भी आपके पास क्या होगा, सेफ होगा। मतलब ये स्ट्रक्चर आपके पास इस टाइप से थोड़ा सा बैंड हो जाता है, इस टाइप से थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। बट स्ट्रक्चर को क्या करती है, सेफ। मतलब जितना भी ये अपलिफ्ट प्रेशर होगा, पहले तो इसका सेल्फ वेट रोक रहा था, पहले तो इसका सेल्फ वेट रोक रहा था, बट अब इस अपलिफ्ट प्रेशर को कौन रोकेगा, ये बेंडिंग एक्शन रोकेगा जो मैंने आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो यहां पे जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन रोकेगा, बेंडिंग एक्शन रोकेगा। कौन रोकेगा, बेंडिंग एक्शन रोकेगा। ओके, याद रखना इस बात को। दूसरी बात यहां पे क्या होती है, ठीक है, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट ऑफ वियर इज नॉट एबल टू, नॉट एबल टू रजिस्ट, रजिस्ट फोर्स। ओके, यहाँ पे बेंडिंग एक्शन से हम फोर्स को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो सेल्फ वेट होता है वो आपके पास एक्सटर्नल लोड को नहीं रोक पाता, इसी कारण से यहाँ पे बेंडिंग एक्शन से हम ट्रांसफर करवाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो बाय आर्च। ठीक है, ठीक है, क्लियर। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने कहा कि सेल्फ वेट के कारण से होता है, इसी कारण से यहाँ पर आपको जो मेंबर है, ये जो मेंबर है इसका जो थिकनेस क्या रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है, इसका थिकनेस क्या रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है, जो कि वेट क्या हो सके, ज्यादा हो सके। बट यहाँ पे तो आपके पास लोड रोक ही नहीं रहा, यहाँ पे तो आपके पास लोड रोक ही नहीं रहा सेल्फ वेट। कौन रोक रहा है, बेंडिंग एक्शन रोक रहा है, जो आर्च की फॉर्म जैसा बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी थिकनेस होती है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ बॉटम स्लैब, थिकनेस ऑफ बॉटम स्लैब इज लेस, इज लेस। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थिकनेस ऑफ बॉटम स्लैब हाई, थिकनेस ऑफ बॉटम स्लैब इज हाई, और वहां पे क्या लिखेंगे, लेस। ओके, ठीक है, यहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं होता जब हम सेल्फ वेट बनाते हैं। ठीक है,
जब हम सेल्फ वेट वाला बनाते हैं तो आपके यहाँ पर सपोर्टिंग नहीं किया जाता, यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं और इस प्रेशर को रोक देते हैं। जबकि यहाँ पर आर्च टाइप फॉर्मेशन देने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, हमें यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट सपोर्टेड एट द एंड्स। और यहाँ पे क्या लिखोगे, सपोर्टेड एट द एंड्स। यहाँ पे तो लिख दिया नॉट सपोर्टेड एट द एंड्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, सपोर्टेड एट द एंड। बेंडिंग एक्शन कहाँ हुआ, आर्च हुआ। नहीं बेटा, जो ये आर्च फॉर्मेशन होता है ना, बनाते तो हम ऐसे ही हैं, पर जो प्रेशर लगता है उसका से थोड़ा सा बैंड टाइप बन जाता है, बैंड टाइप हो जाता है, उसी को बोलते हैं बेंडिंग एक्शन। ठीक है अंकुश बेटा, यहां पर आपके पास सेम ही बनाया जाता है पर प्रेशर के कारण से वो उसको रोक लेता है। ओके, यहां पर लिखना सपोर्टेड एट द एंड। लास्ट में क्या लिखोगे, सपोर्टेड एट द एंड्स। चार बातें याद रखनी है, ग्रेविटी के अंदर सेल्फ वेट रोकेगा जबकि वहां पे बेंडिंग एक्शन रोकेगा, यहां पर आपके पास जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है, यहाँ पे थिकनेस कम होती है, ये सपोर्टेड नहीं होता है एंड पे से जबकि ये सपोर्टेड होता है एंड पे से, जबकि ये सपोर्टेड होता है एंड पे से। ओके, नोट कर लिया सभी ने। नोट कर लिया क्या, ठीक है। अब आपके पास सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग है कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में आपके पास बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू मटेरियल ये तीन टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है कौन सा, वर्टिकल, वर्टिकल ड्रॉप वियर, वर्टिकल ड्रॉप वियर, ठीक है। और इसी ये किसका बना होता है, ये बना होता है किसका, ये बना होता है मैसनरी का, कंस्ट्रक्टेड ऑफ मैसनरी वर्क, ये मैसनरी वर्क का बना होता है। मैं भी पूछ सकता है आपसे, ग्रेविटी नॉन ग्रेविटी तो हर बार आता है एग्जाम में, मोस्टली टाइम एसएससी में और बाकी स्टेट एग्जाम में भी आता है, बट ये थोड़े कम पूछते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वर्टिकल ड्रॉप वियर है तो किसका होगा, मैसनरी का बना होगा, किसका बना होगा, मैसनरी का बना होगा। एक होता है स्लोपिंग एप्रोन वियर, ये किसका बना होता है सर, ये बेटा बना होता है कंस्ट्रक्टेड ऑफ रॉक फिल, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको बोल्डर कहते हैं, रॉक फिल या फिर इसको बोल्डर कहते हैं। ओके, तीसरा आपके पास क्या है, एक होता है आपके पास पैराबोलिक वियर। क्या होता है पैराबोलिक वियर, ये किसका बना होता है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ आरसीसी, ये आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। अब आप क्या कहोगे, सर ये वर्टिकल ड्रॉप कौन सा है, बेटा ये वही है जो आपने कहाँ पे बनाया था, जिसको बनाया था हमने शारदा फॉल पर बनाया था, जहाँ पे हमने शारदा फॉल पे बनाया था, ठीक है। स्लोपिंग एप्रोन वियर है के, एप्रोन वियर किसका बना होता है, रॉक फिल और बोल्डर के बने होते हैं, ठीक है बेटा ऋषिकेश। अब आपको दिखा दिए कैसे कैसे दिखते हैं, ये वाले दिखाएं, देखो खुल रही है, इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
ये ना रॉक फिल है, ये कैसा है, रॉक फिल टाइप का है, ठीक है, याद है आपको पिक्चर कल भेजी थी, ये रॉक फिल टाइप का है। इसमें क्या होता है देख लो, ये रॉक फिल वाला है, इसमें आपके पास क्या होता है, इस तरीके से एक बीच में आपके पास वॉल बना दी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोर वॉल बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम बना लेना अगर मन करता है तो, कोर वॉल होती है और इनके बीच में ये बोल्डर बिछा देते हैं, जो स्लोपिंग है डाउन स्ट्रीम साइड का वो कितना रखते हैं 1:20, और ये अप स्ट्रीम साइड का स्लोप कितना रखते हैं 1:10, 1:4, और ये पूरा की पूरा किसका बना होता है, बोल्डर का। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, बोल्डर वियर या फिर रॉक फिल वाला, और इसकी जो शेप है उसी को क्या कहा जाता है, स्लोपिंग एप्रोन, ठीक है, स्लोपिंग एप्रोन वियर इसी को कहा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको, इसी को क्या बोलते हैं, बोल्डर वियर या फिर रॉक फिल वाला। शटर कहाँ है, ये रहा ना शटर, ये रहा शटर, ठीक है, तुम्हें शटर ही नहीं दिखा, खेल गए बेटा खेल गए। अच्छा जूम कर दे थोड़ा सा, ठीक है, आपको ये चीजें याद नहीं रखनी, ये सारी याद मत रखना कुछ भी, बस स्लोप याद रख लो, शटर याद रखो, खत्म, ठीक है। चलो ये रहा वर्टिकल ड्रॉप, ये वर्टिकल ड्रॉप है, वर्टिकल ड्रॉप में आपके पास क्या होता है, ये क्रेस्ट वॉल हो गई, ये वियर हो गई, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे पूरा की पूरा ये मैसनरी का बना हुआ है, पूरा की पूरा ये मैसनरी का बना हुआ है, ये पूरा की पूरा, ओके। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक लगाते हैं लॉन्चिंग एप्रोन, लॉन्चिंग एप्रोन बेटा क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। यहां पर आपके पास क्या होता है कि पानी जब यहां से निकल के जब निकलेगा यहां से, तो यहां पे बड़े बड़े से आपके पास बोल्डर बिछा दिए जाते हैं, तो पानी जो आराम से निकल सके, मतलब यहां पर अगर हम फाइन पार्टिकल लगाते तो पानी को निकलने में दिक्कत आता, और जिस कारण से वो तेजी प्रेशर से निकलता, जिसे हम एग्जिट ग्रेडिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से आपके पास मटेरियल लगाया जाता है कि आपके पास वो प्रेशर जनरेट ही ना हो, और पानी आए तो पानी आराम से निकल जाए, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए ये लॉन्चिंग एप्रोन लगाया जाता है, ये लॉन्चिंग एप्रोन बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, और मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आपके पास, ठीक है। ठीक है, मैं बताऊंगा इस चीज को अभी, लिखवाऊंगा इसके बारे में, लॉन्चिंग एप्रोन के बारे में। क्लियर है क्या, क्लियर है? अरे आप ये मत पढ़ने लग जाना, ये नथिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं आपको बाकी बताऊंगा, एफ्लक्स क्या रहता है सब बातें बताऊंगा, चीजें जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा, बस आपको बाकी कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना है आपको, और बस ये वियर इस टाइम पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये वाले नहीं यूज किए जाते हैं, लास्ट वाले, ये बहुत पुराने टाइम पर यूज करते थे, पुराने हो चुकी है, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बातें? चल पाइल क्यों लगाई है, पानी तो सीप कर रहा है बेटा, पाइल इसलिए लगाते हैं कि पानी लेट सीप करे, पानी लेट सीप करे, मैं सीपेज में बताऊंगा ये पाइल का काम क्या होता है, चिंता मत करो, पानी को रोक नहीं सकते, पानी को डीले कर सकते हैं, ये बात याद रखना, पानी को सिर्फ एक बात याद रखो, तुम पानी को रोक नहीं सकते, तुम डैम बना दो या बड़ी सारा और बड़ा डैम बना दो, तुम पानी को रोक नहीं सकते, पानी अगर आगे नहीं जाएगा तो पानी नीचे जाएगा, तुम कितनी ही बड़ी थिकनेस बना दो तो पानी यहां से चला जाएगा, तुम इतना बड़ा थिकनेस बना दोगे तो पानी यहां से चल जाएगा, तुम पानी को रोक नहीं सकते, पानी को फ्लो को डीले कर सकते हो, ये बात याद रखना, आज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, क्या कह रहा हूं, पानी को रोक नहीं सकते, सिर्फ उसके फ्लो को डीले कर सकते हैं, पाइल की वजह से उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल।
सही पकड़े हो, यही क्रिप लेंथ होती है, यही क्रिप लेंथ होती है। ठीक है, चलो ठीक है। पैराबोलिक टाइप भी मैंने आपके फोटो भेज रखी है ग्रुप पर, पैराबोलिक टाइप की वियर की फोटो देख लेना वहां पर। ठीक है, ये तीन बात याद रखना, जब स्लोपिंग वियर आएगा तो किसका बना होगा, आरसीसी का। यही चल रहा है अब, ये कर चलता है आपके पास। ठीक है, सबसे पुराने टाइम पर या अब, ये बहुत ही कम टाइम जगह पर यूज करते हैं। ये यूज वहीं पे करेंगे जहां पर आपके पास बोल्डर अवेलेबल है, जहां बोल्डर अवेलेबल नहीं होंगे वहां पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, बस ये बात याद रखो। ठीक है, और इनके तीनों के बारे में ही मैं आपको कहां बता चुका हूं, मैं आपको ग्रुप पे फोटो सेंड कर चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, बस ये बात याद रखना, वर्टिकल के अंदर मैसनरी है, स्लोपिंग एप्रोन में रॉकफिल है, और पैराबोलिक वियर में क्या है, आरसीसी है। ये बातें लिखनी है आपको, ये बातें लिखनी है। पैराबोलिक की नहीं भेजी, नहीं भेजी होगी, नहीं भेजी तो मैं आपको भेज दूंगा, पैराबोलिक की है वहां पर, ये दो ही करी थी सर, पैराबोलिक की नहीं, तो पैराबोलिक की मैं भेज दूंगा, नहीं है तो मैं भेज दूंगा, रह गया होगा उसमें, रह गया होगा, कोई बात नहीं मैं भेज दूंगा, रह गया होगा, फोटो पड़ी है मेरे पास। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आता है, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं तुम्हें, याद रखना। जिसका पेपर में आता है वो तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अब देखो, अब मैं पहले के बारे में, इसके बारे में जो पेपर में आता है क्या क्या आएगा मैं आपके पास बता रहा हूं। पहला आपके पास क्या है, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल ड्रॉप वियर, वर्टिकल ड्रॉप वियर, इसके बारे में। ठीक है, अब आपके पास कैसा होता है, ये बना होता है कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, इस तरीके से ये बना होता है, और यहाँ पे लगा होता है शटर, यहाँ पे लगा होता है शटर। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से लेकर वियर को लेकर, कहते हैं सिल क्या है, कहते हैं यहाँ पर सिल क्या है। मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि जो केनाल का बेड होता है उसे क्या कहते हैं, सिल कहते हैं, याद है क्या, जो केनाल का बेड होता है उसे सिल कहते हैं, आपको याद है क्या, याद है ना आपको, है ना। यहाँ पे इसको सिल कहा जाता है, यहाँ पे इस पार्ट को क्या कहा जाता है, सिल कहा जाता है। तो मतलब वियर में डेफिनेशन अलग हो गया, वियर में सिल का डेफिनेशन क्या हो गया, अलग। तो यहाँ पे सिल को लेकर दो बातें याद रखना, क्या लिखेंगे, बॉटम ऑफ शटर क्या है, सिल है, ओके। और क्या कह सकते हैं, टॉप ऑफ क्रेस्ट वॉल, वो भी क्या है, वो भी शटर है। ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम में आती है और स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं। केनाल के केस में जो केनाल का बॉटम होगा वो सिल है, जैसे मैंने पहले बताया था। जब वियर पढ़ते हैं तो वियर में पानी क्या होगा, पानी जाएगा इस जगह से, तो यही पानी जा रहा है, जबकि केनाल के बेड से जब पानी जाता है तो उसको सिल बोल दिया। सिल मतलब जहां से पानी फ्लो करता है बेटा, सिल मतलब जहां से पानी क्या करता है, फ्लो करता है। तो वियर के केस में पानी फ्लो कहां से करेगा भाई, इस क्रिस्ट वॉल के टॉप से ही तो पानी फ्लो करेगा, क्योंकि ये तो कभी हटने वाला नहीं है, तो पानी फ्लो कहां से करेगा, टॉप ऑफ क्रेस्ट वॉल से। और तुमने इसके ऊपर क्या बना रखा है, शटर बना रखा है, तो बॉटम ऑफ यहां से। ठीक है, तो सिल का मतलब क्या है, सरफेस वेयर वाटर फ्लो। तो जो क्या होगा वियर में, या तो बॉटम होगा शटर का, या क्रेस्ट वॉल का टॉप होगा। पहले बताओ क्लियर है कि ये बातें, डोर में भी तो होता है ना सर, डोर में भी तो होता है। अरे पानी देखो, ये शटर है, शटर कैसे खुलते हैं, या तो ये ऊपर चले जाएंगे, या तो ये शटर ऊपर चल जाएंगे, या फिर ये ऐसे खुल जाएंगे। पानी यहां से है तो ये ऐसे तो खुलेंगे नहीं कभी, समझ गए, प्रेशर बहुत लगाना पड़ेगा, या तो ये ऐसे खुलेंगे या फिर ये ऊपर चल जाते हैं, समझ गए क्या, बताओ। ठीक है, चलो ये दो बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है। चलो अब यहां पे बात करते हैं, हटा दे इसको क्या जो आपने लिख लिया, है ना। चलो अब देखना यहां पे मेन बात,
ये तो याद आ गया तो बता दिया। अब आपके पास क्या होता है, डिस्चार्ज, या लिख लो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इन इन वेयर वेयर व्हेन व्हेन क्रेस्ट वॉल इज रेक्टेंगुलर इज रेक्टेंगुलर। ये कंडीशन बताओ, मैंने आपको कहा था कि वर्टिकल जो वॉल है, ये क्रेस्ट वॉल है, ये रेक्टेंगुलर कब होगी, मैंने कंडीशन बताई थी, मुझे कंडीशन बताओ, मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद है वो चीज जो मैंने पहले बताई थी। सरफेस ऑफ वाटर फ्लो सील होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बैठे हो शिवराज बेटा, बिल्कुल सही बोले हो। जहां से पानी फ्लो होता है उस सरफेस को क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। जल्दी से बताओ क्या था वहां पे कंडीशन, डिस्चार्ज कितना होगा? 1.835 L H की पावर 3/2 और H बाय B की पावर 1/6 1/6, ये रहा फॉर्मूला अगर रेक्टेंगुलर है तो। डिस्चार्ज लेस देन 14 क्यूब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हो तुम, जीत गए, एक नंबर, सच कह रहे हैं। ठीक है, जब क्रिस्ट वॉल रेक्टेंगुलर होगी तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये यूज करोगे, सीधा फॉर्मूला आता है, सीधा फॉर्मूला आता है, कभी नहीं पूछता वियर डिवियर कैसा है, ब्राज कैसा है, सीधा डिस्चार्ज का फॉर्मूला आएगा, सीधा आएगा। बना लिया, दूसरा लिखवाए, दूसरा लिखवाए क्या, रुके, पावर में क्या है 1/6 है, 1/6, ठीक है, डन डना डन 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 डना डन, चलो ठीक है। डिस्चार्ज डिस्चार्ज इन वियर व्हेन व्हेन क्रेस्ट वॉल इज ट्रेपेजॉइडल, क्रेस्ट वॉल इज ट्रेपेजॉइडल, ओके, जब ट्रेपेजॉइडल होगा तब फॉर्मूला डिस्चार्ज वियर का कितना होगा, कितना होगा, 0.45 अंडर रूट 2g एल एच की पावर 3/2 और एच बाय बी की पावर 1/6, डायरेक्ट आया है ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट आया आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्ट आया है, ठीक है। और तुमसे अगर मान के चलो यूं पूछ, कह देना, अगर तुमसे कह दे क्या शारदा फॉल का डिस्चार्ज बताओ, अगर तुमसे कह दे, अगर तुमसे कह दे शारदा फॉल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी तुमसे पूछ चुका है, ये इस तरीके से पूछता है, ट्रेपेजॉइडल करके तो कम पूछा बट ये आज जरूर आता है, शारदा फॉल का डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये बार बार आया है, ये बार बार इस तरीके से आया है, ये तुमसे बार बार पूछा है ये, ठीक है। हाँ तो बोल दो, हाँ बोल दो एक बार, ठीक है, चलिए अब नोट करके लिखना, अब नोट करके, नोट क्या कहता है, जो ट्रेपेजॉइडल वियर है उसको ही क्या कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं सिपोलेटी, सिपोलेटी वियर। बेटा 5 स्टार, ट्रेपेजॉइडल वियर को ही क्या कहते हैं, शारदा फॉल तो नेम है, पंजाब लखीमपुर में है, अरे यूपी लखीमपुर में है, यूपी लखीमपुर, शारदा फॉल एक वर्टिकल ड्रॉप फॉल है
जो कहां बना रखा है, यूपी के लखीमपुर में, ठीक है। चलो अब पूरी बात सुन लो, एक बार रुकना, जरूरी है जो बताना। ट्रेपेजोइडल वियर को ही सिपोलिटी वियर कहते हैं, बट कब when slope is one horizontal one vertical, तभी कहा जाएगा। मतलब ये जो आपके पास ट्रेपेजोइडल है, ओके, इसका ये और ये कुछ भी हो सकता है, बट ये आपके पास, इसको सिपोलिटी का बोलोगे, इसको, ठीक है, इसको सिपोलिटी वियर कब बोलोगे, जब इसका जो साइड स्लोप है वो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगा, तभी ये सिपोलिटी वियर कहलाए जाएगा, याद रखना। विभा बेटे एक बार रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ट्रेपेजोइडल है, पर जब ट्रेपेजोइडल के अंदर साइड स्लोप वन हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल होगा तो ही वो सिपोलिटी वियर कहलाएगा, नहीं तो वो ट्रेपेजोइडल ही कहलाएगा। क्लियर है? किसको सिपोलिटी वियर क्यों कहते हैं, ठीक है। लो विवा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, शारदा फॉल कैसे कहेंगे बेटा, शारदा फॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रॉप है ये शारदा फॉल पर यूज कर रखा है। शारदा फॉल एक कैनाल का नाम है, शारदा कैनाल, वहां पर जो फॉल है वो वर्टिकल ड्रॉप फॉल है, इस कारण से इसको शारदा फॉल भी कहते हैं, और इसी कारण से डिस्चार्ज किसका हो गया, इस कारण से डिस्चार्ज शारदा फॉल का बन गया। देवकरण बेटा अभी तक तो ठीक है, पर पता नहीं क्या होगा। कौन सी यूनिट चल रही है बेटा, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, चले आगे चले। ठीक है चलो, ठीक है, अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं ट्रेपेजोइडल डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। एक डिस्चार्ज का फॉर्मूला दिया हुआ है 1.84 एल अपॉन में एच की पावर 3/2, और ये किसने दिया था, फ्रांसिस ने। कहा जाए कि ट्रेपेजोइडल वियर के अंदर डिस्चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, बाय फ्रांसिस मेथड। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, 1.84 एल एच की पावर 3/2। मैं क्या कह रहा हूं, पूछे कि ट्रेपेजोइडल वियर में से डिस्चार्ज को फाइंड करिए, और किस मेथड से, फ्रांसिस मेथड से, तो आपके पास ये वाला यूज करोगे, ठीक है बेटा। ठीक है, अब दूसरा एक फॉर्मूला और दिया था 2/3 सी डी एल अंडर रूट 2g एच 3/2। इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला जो ट्रेपेजोइडल वियर के लिए यूज करते हैं, जो आप कहाँ पे पढ़ोगे, FM में पढ़ोगे। इस बार का क्वेश्चन यही था जो तुम्हारे आया था, कहाँ पर, RSMSSB में यही आया था। L एंड H क्या है बेटा, जो आपके पास H है ये तो होता है आपके पास कि वहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर आपके पास कितना है, और जो L होता है ये लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ वियर लेंथ होती है, ठीक है,
ये वाला फॉर्मूला पूछा था, ट्रेपेजोइडल वियर में से डिस्चार्ज का फॉर्मूला, ट्रेपेजोइडल वियर में से डिस्चार्ज का फॉर्मूला, तो ये होता है जनरल फॉर्मूला इसका, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अरे ये क्रेस्ट वॉल हो गई, ये हाइट हो गई, ये कितना अंदर जा रहा है, ये कितना अंदर जा रहा है, यही होती है लेंथ ऑफ ईयर, यही होती है लेंथ ऑफ ईयर, जिसे हम क्रिस्ट वॉल की लेंथ बोलते हैं। बेटा ये आपके पास लेंथ ऑफ ईयर है, जो किसकी है, क्रिस्ट वॉल की। सीडी क्या है बेटा, डिस्चार्ज कोफिशेंट है, एफएम में पढ़ोगे बेटा, ये डिस्चार्ज कोफिशेंट है, आप एफएम में पढ़ोगे। शिवराज बेटा दो कोफिशेंट होते हैं, एक आपके पास तीन होते हैं, एक डिस्चार्ज कोफिशेंट, वेलोसिटी कोफिशेंट, एरिया कोफिशेंट, इनके बीच का रिलेशन भी आप पढ़ोगे क्या होता है, वही डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, वही इनका बनेगा फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रिलेशन भी याद रखना है, इनका वैल्यू भी याद रखना, और अलग अलग साइंटिस्ट ने जो इनकी रेंज दे रखी है वो भी याद रखना। तीन चार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तीन चार क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए क्या, समझ गए क्या, बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नहीं आता बेटा, फॉर्मूले आते हैं, इन पे फॉर्मूले आते हैं, उनको पता है कि 3/2 अंडर 2h, इनका क्वेश्चन कैसे करोगे, विदाउट केल्सी आप नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चन आ भी गया ना तो भी आप नहीं कर पाओगे। नहीं, ये ट्रेपेजोइडल के लिए है, जो फ्रांसिस वाला मेथड है ये ट्रेपेजोइडल के लिए है, ट्रेपेजोइडल वियर के लिए, ठीक है। चले आगे, चलिए अब नेक्स्ट आपके पास है डिवाइड वॉल, सेकंड कंपोनेंट है तुम्हारा डिवाइड वॉल, क्या है डिवाइड वॉल, डायग्राम देख लो डिवाइड वॉल का, आपको ग्रुप में भेज रखा है डिवाइड वॉल का डायग्राम देख लो कैसे है, इस तरीके से बना रखा होगा, इस तरीके से बना रखा होगा, ठीक है। देख लो, देख लो, दिखा रखा होगा कि ये आपके पास डिवाइड वॉल होती है, इस तरीके से यहां पे दिखा रखा होगा, ये वॉल इस तरीके से दिखा रखा होगा, स्लोपिंग वेव, स्लोपिंग नहीं दिखाओगे क्या, स्लोपिंग में वो स्लोप नहीं लिखवाओगे क्या, कौन सा बेटा, कौन सा स्लोपिंग में, स्लोपिंग एप्रोन के अंदर वो स्लोप नहीं, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आता ना, स्लोपिंग आता है ना ही आपके पास पैराबोलिक वाला आता है, वो पिक्चर थी, पिक्चर में दिखा तो मैंने बता दिया, नहीं आता है वो, आता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिस पे तुम मुझे कहो, इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे कभी मत सोचना कि टाइम कम है तो मैं आपको, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं चाहते हुए भी नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए आपने पिक्चर देख ली डिवाइड वॉल की, डिवाइड वॉल की पिक्चर देख ली क्या आप लोगों ने, है ना, मैं इसके अंदर लिखवा देता हूं, समझाऊंगा आपको कल, ठीक है। एट एट डिवाइड दी, इफ डिवाइड दी अपस्ट्रीम ऑफ रिवर, इट डिवाइड दी अपस्ट्रीम ऑफ रिवर फ्लो
ड्यू टू ऑफ टेकिंग कैनाल ऑफ इन डेफिनेट प्रपोर्शन, इनडेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है ना, इट इज कंस्ट्रक्टेड, इट इज कंस्ट्रक्टेड एट दी राइट एंगल, एट दी राइट एंगल टू दी एक्सिस ऑफ वियर, टू दी एक्सिस ऑफ वियर, बस इतना ही से याद रखना। देखो बेटा एक बार अच्छे से सुनना, डिवाइड वॉल क्या होती है, ये जो वॉल है ना, ये जो आपके पास वॉल है, ये लीवर है ना आपके पास, यहाँ से इस तरीके से आ रही है। तो जो ये लीवर आपके पास आती है ना, ये लीवर के अप स्ट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट तो चला जाता है यहाँ पर और दूसरा पार्ट चला जाता है यहाँ पर। ये वाला पानी तो कहाँ चले गया, डाउन स्ट्रीम साइड पर, और ये वाला जो पानी है यहाँ से निकाल रखी है क्या, ऑफ टेकिंग कैनाल। तो ये क्या करती है कि जो पानी आ रहा है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, और जो पानी जो इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है उसको कहाँ डाइवर्ट कर देगी, ऑफ टेकिंग कैनाल में। तो आपके पास ऑफ टेकिंग कैनाल में कितना पानी चाहिए ये उस चीज़ पे डिपेंड करती है। मतलब मान के चलो यहाँ पे मुझे पानी ज़्यादा चाहिए, तो मैं इस वॉल को यहाँ पे रखूँगा, इस वॉल को मैं कहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पर। मुझे मान के चलो कि कैनाल में पानी कम चाहिए, तो मैं कहाँ बनाऊंगा इसको, यहाँ पर। तो मतलब जो स्पेस होगा ना ऑफ टेकिंग कैनाल का इस हेडवे से, तो किस पे डिपेंड करेगा कि कैनाल में जो ऑफ टेकिंग कैनाल में उसमें डिस्चार्ज कितना चाहिए। जितना डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए ये डिवाइड वॉल उस तरफ खिसक जाती है। क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से बनाई जाती है। तो बेटा ये एक्सिस किसका हो गया, ये एक्सिस किसका हो गया, वियर का हो गया। तो वियर के एक्सिस के किस पे बनाया गया है, 90 डिग्री पर। किस पे बनाया गया है, 90 डिग्री पर, ठीक है। इसी कारण से देखो मैंने क्या लिखा है कि इसको बनाया जाता है राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, ओके। जो आपके पास एक्सिस ऑफ वियर है उसके जस्ट 90 डिग्री पर बनाएंगे इसको। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात, नोट कर लो इसको बेटा। समझ में आया डिवाइड वॉल का काम क्या होता है, डिवाइड वॉल का काम समझ में आया क्या आप लोगों को, है ना। याद रखना ऑफ टेकिंग कैनाल के अंदर एक डेफिनेट पानी को पहुंचाना किसका काम है, डिवाइड वॉल का काम है। कुलदीप बेटा हमने क्या कहा है कि ऑफ टेकिंग कैनाल के अंदर पानी पहुंचाने के लिए एक दीवार बना दी जाती है, एक दीवार बना दी जाती है जो रिवर के पानी को डिवाइड करती है दो पार्ट में, उसको ही डिवाइड वॉल कहते हैं, उसको ही डिवाइड वॉल कहते हैं। मैं इसको बताऊंगा कि अपस्ट्रीम में कहां तक लेके जाते हैं, मैं ये भी बताऊंगा इसको डाउनस्ट्रीम में कितना लेके जाते हैं, चौड़ाई कितनी होती है, मैं सब कुछ बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। अगर कैनाल में पानी कम चाहिए तो और रिवर में उतना ही है तो भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने कल बताया था कि जो कैनाल होती है ऑफ टेकिंग कैनाल का, वो FSL के पास में बनाई जाती है, FSL के पास में। इसलिए FSL तक पानी जाएगा ना तो ही पानी कैनाल में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। याद है कल की बातें आपको, याद है क्या। एक बात और सुन लो, 9:30 का मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है, कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो अभी जाता हूँ, नहीं तो फिर रास्ते में तुम्हें पता है क्या होने वाला है, ठीक है ना। हाँ ग्रुप पे मैं बता दूंगा जरूर ही, यही तो अदरवाइज मेरे पास एक बार फ़ोन कर लेना, मैसेज डाल देना सभी लोग, ठीक है, पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं आपको सबको बता दूंगा, नहीं तो ग्रुप तो है ही हमारा, ठीक है। तो तुमसे मिलते हैं वापिस कल, ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।